गुड इवनिंग, स्वागत है आपका एनएस न्यूज एक्सक्लूसिव में। मैं हूं रंजिता पठारे और हाजिर हूं आज के भारत एक खोज में। आज भारत एक खोज में हम जानेंगे राजा भोज का इतिहास। राजा भोज जो अपने समय के भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ सम्राट थे, विलक्षण योद्धा, अद्भुत पराक्रमी तथा कुशल प्रशासक थे, जिनका शासन लगभग पूरे भारतवर्ष पर था। राजा भोज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनकी तुलना सम्राट विक्रमादित्य से होती थी। राजा भोज एक ऐसे ऐतिहासिक सम्राट है जो अपने अद्भुत कृत्यों के कारण ऐतिहासिक होते हुए भी पौराणिक हो गए, क्योंकि साधारण जनमानस के लिए राजा भोज अपने कार्यों, अपने सौर्य, अपने प्रभाव के कारण देवता तुल्य हो गए हैं। उनके साथ अनेक किंवदंतियां भी जुड़ जाती है। भारतीय इतिहास में राजा भोज आज भी सर्वाधिक लोकप्रिय राजा और लोकनायक के रूप में जन जन के विख्यात है, जन जन के दिलों में अभी भी बसे हुए हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र में इस कहावत से भी सभी परिचित है कि कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। 10वीं सदी के अंतिम दशक में जन्मे राजा भोज ने 1010 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक मध्य भारत में अपना राज्य किया। उनकी राजधानी धारा नगरी, जिसे वर्तमान में धार नगरी कहते हैं, और उनका राज्य गुजरात तथा मध्य प्रांत के क्षेत्रों में फैला हुआ था। उन्हें राजा विक्रमादित्य का वंशज कहा जाता है। उनके पिता राजा सिंधुराज धार राज्य के शासक थे। राजा भोज महज 15 वर्ष के रहे होंगे जब उन्हें राज्य की बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी गई। आगे जब वे 1018 में परमार वंश के राजा बने तो उनके अंदर पश्चिमी भारत में एक साम्राज्य स्थापित करने की चाह जागी। इसके लिए उन्होंने कई राज्यों से युद्ध लड़ा। इसी क्रम में 1018 ईस्वी के आसपास उन्होंने इंद्ररथ को पराजित किया था। ऐसा कहते हैं कि इंद्ररथ कलिंग के गंगा राजाओं का सामंत था। इसी क्रम में उन्होंने राजस्थान के तत्कालीन राजा चहमान वीरमान को भी हराया था, जो राजा भोज ने गुजरात के चालुक्य से दो दो हाथ भी किए थे। युद्धों का सिलसिला यही नहीं रुका, वह इसी तरह लगातार अपने राज्य के विस्तार हेतु लड़ते रहे और जीतते रहे। राजा भोज की महानता इस कदर बढ़ गई कि आगे चलकर राजाओं को उनके नाम भोज की उपाधि दी जाने लगी। चूंकि वह कला प्रेमी आचरण के शासक थे, इसीलिए उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कई इतिहास में जो प्रचलित हुए, जैसे मंदिरों का निर्माण करवाया, इमारतों, शहरों का भी निर्माण करवाया। उज्जैन में स्थित भगवान शिव के पवित्र मंदिर महाकालेश्वर, धार की भोजशाला, केदारनाथ, रामेश्वर, सोमनाथ, मुंडेड़ और भोपाल के विशाल तालाब को बनाने का श्रेय भी इसी महान शासक को जाता है। राजा भोज द्वारा इन सब ऐतिहासिक स्थलों का निर्माण करवाने के पीछे एकमात्र वजह थी, वे लोगों व धर्म के प्रति उनका असीम प्रेम। लोगों के लिए वे कुछ करने की चाह रखते थे अपने मन में। उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान बहुत सी किताबें भी लिखी। राजा से जुड़ी मान्यताओं के मुताबिक उन्हें 74 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी, जिन्हें लेकर उन्होंने अलग अलग विषयों पर करीब 84 ग्रंथों की रचना की। इसमें आयुर्वेद, व्याकरण, वास्तुशिल्प, ज्योतिष, संगीत, विज्ञान, योगशास्त्र, दर्शन, कला और राजनीतिक शास्त्र प्रमुख विषय थे। इनके साथ साथ सरस्वती, कंठाभरण, सिद्धांत संग्रहालय, राजकारतंड, विद्या विनोद जैसे ग्रंथ की भी इन्होंने ही रचना की थी। लेकिन कहते हैं ना कि कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक न एक दिन सभी का अंत होता है। फिर क्या राजा और क्या प्रजा। अपने शासनकाल के अंतिम समय में राजा को युद्ध में पराजय का भी मुंह देखना पड़ा। एक ऐसे राजा को पराजय का मुंह देखना पड़ा जो कभी भी नहीं हारा अपने जीवन में, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष पे, लगभग पूरे भारतवर्ष पे राज किया। राजा भोज पर गुजरात के राजा चालुक्य और चेदी नरेश की सीमाओं ने संयुक्त रूप से हमला कर दिया था। हालांकि इस युद्ध में भी राजा भोज व उनकी सेना बड़ी ही बहादुरी से लड़ी, लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया और वह इस युद्ध में हार गए। इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। राजा भोज के नाम पर आज भी कई विश्वविद्यालय, कई संस्थान हैं। जहां से जुड़े ऐसे वीडियो की जानकारी के लिए बने रहिए।